वेल दोस्तों, इस समय हम लोग खड़े हैं भारत वंदना पार्क पे। ये सेक्टर 20 द्वारका में बना हुआ है और जो दिल्ली का सबसे खूबसूरत पार्क, जो कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये पार्क बनने वाला है। लगभग 200 एकड़ में ये पार्क पूरा जब बनेगा, इसका एक हिस्सा अभी चालू हो गया। चलिए आपको दिखाते हैं भारत वंदना पार्क कितना हिस्सा बन चुका है और क्या क्या डेवलपमेंट्स में अभी की गई है और लोग क्या क्या यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, इस तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, पूरा शेड बनाया हुआ है और यहीं से एंट्री है। एक काफ़ी हिस्सा जो राइट साइड में भी स्टार्ट किया गया है और काफ़ी हिस्सा लेफ्ट साइड में, और पीछे जो है अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। तो चलिए देखते हैं आगे इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट की है। और इस साइड देखेंगे तो पूरा जो है वॉकवे बनाया हुआ है, पूरा आप वॉक कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूंगी, जो ये पार्क बनेगा ये जो है ना मेट्रो स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है। सामने देखेंगे तो आपको शेड दिख जाएगा मेट्रो का, ये देखिए ब्लू कलर का आपको शेड दिख रहा होगा। ये द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ से आएंगे तो आप इजीली 10 मिनट की वॉक में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेट्रो के बहुत नज़दीक है, दिल्ली के किसी भी कोने से आना चाह रहे हो तो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूरा जो है रिवर फ्रंट बनने वाला है। पूरा जो भारत वंदना पार्क है, इसमें जो है ये एक एल शेप में रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर राइट से स्टार्ट होगा, तो दो साइड ये ओपन रहेगा रिवर फ्रंट। जो इसको जो प्लान है, जो इसका मेन प्लान जो बना हुआ है, उसमें ये दो साइड पे रिवर फ्रंट रहने वाला है, इस साइड और एक राइट साइड में। तो अभी इधर इस साइड आपको लेके चलेंगे। पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा, जो अगर कैमरामैन आगे लेके आएंगे तो काफ़ी अच्छा जो है रिवर फ्रंट बनाया गया है। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, देख सकते हैं स्टोन काफ़ी यहाँ अंदर लग चुका है। और कुछ समय मुझे लगता है कि यहाँ पानी जब भर दिया जाएगा, जब बोटिंग है, जब लोग किया करेंगे द्वारका में या दिल्ली से जो लोग आएंगे, तो काफ़ी अच्छा लुत्फ आएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ की गई है, क्या क्या यहाँ ओपन है आप लोगों के लिए। देखिए, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है आपको दिख जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह बैन सेटअप किए गए हैं। जो जैसे जब टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, लोग जब विजिट करने आएंगे, तो यहाँ बैठने का भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। तो अभी हम चलेंगे लेफ्ट साइड में, पीछे आप देखेंगे तो ये शेड लगे हुए हैं, पीछे काम चल रहा है, काफी बड़े लेवल पे काम चल रहा है। तो एक थोड़ा हिस्सा जो है अभी ओपन कर दिया गया, अभी आपको पीछे क्रेन भी दिख जाएगी, क्रेन जो है काम कर रही है, बड़े स्तर पर काम चल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ लेडीज भी काम कर रही हैं, प्लांटिंग जो है, प्लांटेशन जो वर्क चल रहा है। और यहाँ पर अच्छे जो है ये देख सकते हैं जो है आर्ट पीसेस लगाए गए हैं। शेड का प्रॉपर काम दे नहीं पाएंगे, लेकिन जो लीफ शेप में डिज़ाइन बनाया गया है, उसमें जब शाम को लाइटिंग होगी तो और अच्छा इफेक्ट ये देंगे। और इधर जो है बाथरूम वगैरह, वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल करा दी गई है, रेडी कर दिया गया है। तो अभी ओपन नहीं है, सामने दरवाजों पर आपको लॉक दिख जाएगा। और जो टैप्स हैं वो भी अभी फिट नहीं किए गए हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो बोर्ड लग रहा है यार, आई लव दिल्ली का, वो आपको दिखाता हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा विजुअल्स दिख रहे होंगे इसके अंदर। वेल दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये लोगो बनाया गया, साइन लोगो बनाया गया आई लव दिल्ली का, तो पूरा मार्बल वर्क है, बहुत अच्छा मार्बल वर्क जो करके डायमंड कट तो नहीं, बट अच्छा काफ़ी जो है कट इसमें दे रखे हैं और 3D इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगने वाला है। रात के समय जो इसका इफेक्ट आएगा वो एक अलग निकल के आएगा, वो भी आपको नाइट व्यू दिखाएंगे थोड़ी देर में। आइए मेरे साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काम बहुत अच्छा किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, उसके बाद इतना ग्रीन पार्क, ठीक है, दिल्ली में शायद ही आपको कोई ऐसा पार्क देखने को मिले। यहाँ पे आप पीछे देखो एरोप्लेन भी जा रहा है, इतना अच्छा व्यू में वो एक अच्छी चीज़ ऐड कर रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे लोगो इतना बढ़िया बनाया गया, एकदम आर्टिस्टिक पीस है, ठीक है, इट्स अ वेरी यूनिक वन, ठीक है। एंड हम चाहेंगे कि ये जल्दी से बने और खुले और हम इसमें आके घूम पाएँ और हमारे साथ साथ आप लोग भी घूमें, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा रिवर फ्रंट और ये पूरा अच्छा जो है लोगो तो बना ही हुआ था। और सबसे अच्छा जो यहाँ खासियत रहने वाली है ना, जो कि ये जगह एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो आपको जो एरोप्लेन है ना वो भी जो एयरपोर्ट पे लैंड करते हुए दिख जाएंगे, यहाँ से टेक ऑफ करते दिख जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलेगा यहाँ। चलिए थोड़ा आगे लेके चलते हैं, सामने देखेंगे तो एक ब्रिज और दिख रहा है जो कि बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि एल शेप में है, तो ये अब हम रोड के दूसरी तरफ आ गए हैं। ये उस तरफ की जो साइड होगी, दूसरी साइड होगी, अभी जो एंट्री करनी थी उधर उस साइड से हमने की, जो गेट नंबर 3 पड़ेगा, ये शायद गेट नंबर 4 पड़ेगा। अभी तो ये गेट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ओनली एक ही जगह से एंट्रेंस है, जहाँ से हमने एंट्रेंस लिया था। लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो चारों तरफ से, जो कि जो ये पार्क होने वाला है, स्क्वायर शेप पार्क होने वाला है, तो चारों साइड से रोड के
आपको एंट्री मिल जाएगी, चार गेट्स टोटल बनेंगे। तो अब जो है हम दूसरी तरफ आ गए हैं ब्रिज के, ये भी जो है बाद में यहीं से एक जो है शायद एंट्रेंस यहाँ से भी एक बनेगा, आगे भी ब्रिज बन रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ब्रिज बनेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं सामने जो है काम काफ़ी चल रहा है यहाँ पर, और ये आप उधर देखेंगे तो रास्ता भी बना हुआ है, तो पूरा जो है स्टोन की जो है यहाँ पे एक लेयर बिछाई जा रही है ताकि जो दलदली ना हो। ये देखिए पूरा जो है स्टोन की लेयर बिछाई जा चुकी है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी चीज़ बनेगी जब ये पूरा निकल के आएगी, जब पूरा भारत बंदा पार्क कंप्लीट हो जाएगा। और उधर देखेंगे तो देखेंगे काफ़ी जो है काम चल रहे हैं, काफ़ी जो है टावर जो भारत के जो मेन जो इमारतें हैं उनके स्ट्रक्चर उनके आठ पीसीस यहाँ बनाए जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो है इस तरह के बेंचेस सेटअप किए गए हैं, तो जैसे इस तरह आप जब बेंच पे बैठेंगे और यहाँ से जब रिवर फ्रंट का आनंद लेंगे शाम के समय, तो एक अलग ही लुत्फ आपको आएगा यार बिल्कुल। तो अभी जो है हम जो रिवर फ्रंट बनेगा इसके इस तरफ आ चुके हैं, अभी हमने आपको उधर से व्यू दिखाया था, अभी इस लोगों के बैक साइड में चलेंगे और यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से पीछे से दिख रहा है ये लोगों। वेल तो अभी जो है हम रिवर फ्रंट के दूसरी तरफ आ चुके हैं, हम अभी आपको पहले उधर से दिखाया था, अभी हम इस तरफ दिखाया, तो ये लोगो जो है आप बैक साइड से देख सकते हैं। तो इधर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक सिटिंग स्पेस जो है क्रिएट किया गया है, देख सकते हैं इधर। तो जब यहाँ पानी भर जाएगा रिवर फ्रंट में तो यहाँ पे लोग बैठ के जो है यहाँ का व्यू का आनंद ले सकेंगे, काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया गया है, आगे तक ये जा रहा है और पीछे आपको दिखाता हूँ तो पूरा रोड का आपको व्यू दिख जाएगा। ये देखिए इसके पीछे देखेंगे तो आपको मेन रोड दिख जाएगा, पूरा जो है फेंसिंग भी कर दी गई है ताकि जो है पार्क में आए तो लोग पार्क में ही रहे, ऐसा कहीं कहीं से भी एंट्री ना हो जाए। ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि पूरा जो है काम, देखिए अंदर पूरा कितना बड़े लेवल पे काम चल रहा है और डिफरेंट डिफरेंट ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो पूरा बन जाएगा तो अलग ही निकल के मास्टरपीस आएगा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्ट्रक्चर किस चीज़ का बन रहा है, लेकिन जो भी रेप्लिकास हैं मिनी स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बनने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं जेसीबी जो है लगातार लगी हुई है, तो मुझे लगता है जल्दी ही जो है ये जो रिवर है ये स्टार्ट हो जाएगी, रिवर फ्रंट स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया था ना उसके पीछे देखेंगे तो काफी अच्छी जो सीनरी मेंटेन की गई है, देखिए बहुत। तो अच्छा एनहांस लुक कर रही है। और इधर देखेंगे तो पूरा जो यहाँ पे गार्डन पैच है, ये देखिए जो पहले के यहाँ पे जो पेड़ रहे उनको मेंटेन रखा गया है और यहाँ पे जो है ग्रास बिछा दी गई है, तो यार मज़ा बहुत आ रहा है। और मैं तो उस समय की कल्पना कर रहा हूँ जब इस रिवर फ्रंट में पानी छोड़ दिया जाएगा, देख सकते हैं ग्रास लैंड तो काफ़ी अच्छा है और जो बेंचेस हैं जब हम यहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे व्यू का तो उस समय एक अलग ही लुत्फ निकल के आएगा। तो जैसे ही जब पानी भी स्टार्ट किया जाएगा, रिवर फ्रंट स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये जो है अभी हम लोग इसके दूसरी तरफ आ चुके हैं, अभी हमने आपको लेफ्ट साइड में विजिट कराया था और अभी जो है राइट साइड में भी जो है इसको ओपन कर दिया गया है, तो यहाँ भी जो है दोनों तरफ जो है वॉक आप कर सकते हैं इजीली। पूरा ये वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है और आप देख सकते हैं बीच में येलो स्ट्रिप, आपको बता दूं येलो स्ट्रिप जो होती है ब्लाइंड पीपल्स के जो उनकी हेल्प के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ब्लाइंड पीपल जो होते हैं इस येलो जो ये पैच बना हुआ है इस पर जो है अपनी स्टिक को इंसर्ट करते हैं, अपने रास्ते को ढूंढ लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ भी जो है उस तरफ भी वॉक का बनाया गया पेडेस्ट्रियन के लिए, यहाँ भी बनाया गया है। हमने पार्क का आपको डे व्यू भी दिखाया और इवनिंग में जो नाइट व्यू है जो लाइटिंग वगैरह यहाँ पे लगी हुई है वो भी आपको दिखाया, और उम्मीद आपको पसंद आएगा। और जब अगली बार जब यहाँ पे पानी स्टार्ट हो जाएगा, रिवर फ्रंट स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर दोबारा आपको लेके आएंगे यहाँ पर और दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ नई डेवलप यहाँ की गई है। तो अभी तो ये इनिशियल स्टेज पर ही है और बहुत छोटा हिस्सा ही स्टार्ट किया गया, लगता है कि 1/10 भी ना कहूँ तो 1/20 हिस्सा भी जो है स्टार्ट नहीं हुआ है अभी इसका, सिर्फ ये आउटर साइड में एक लेयर जो है एक रिवर फ्रंट जो है डेवलप करके अभी स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब ये पूरा बन जाएगा तो पूरी दिल्ली की जो है एक सबसे बड़ा आइकन बन जाएगा, दिल्ली जो है इस भारत बंदा पार्क से पहचानी जाएगी। और जो कि बन भी इसी थीम पर आया, पूरा जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो उनके जो है थीम्स जो है मेन जो मॉन्यूमेंट्स उनके जो है सिंबल यहाँ बनाए जाएंगे। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।